हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग चूतिए बनते रहेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा, ये रमाधीर सिंह ने बोला था, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती है। खैर, द कश्मीर फाइल्स मूवी के सक्सेस के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। बहुत ही मैसिव सक्सेस हुआ है, और हो भी क्यों ना, क्यों मूवी बनाई इसलिए गई थी। और बहुत सारे लोग का मैंने कमेंट देखा जहाँ पर लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इस मूवी को 200 करोड़ तक पहुँचाना चाहिए। तो यार पहुँचाऊँ, बहुत अच्छी बात है, जाके देखो, अब तो टैक्स फ्री हो चुकी है। लेकिन आधी सच्चाई पूरे झूठ के समान होती है। हालांकि मैं अब ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, जब मैंने इस पर्टिकुलर मूवी को देखा था, मुझे पता था कि मूवी में क्या बताने वाला है, और कश्मीरी पंडित के साथ जो भी चीज़ें हुई थी वो बहुत ही गलत हुआ था। और ऐसा जब भी कभी होता है, यानी कि जब भी किसी की किलिंग होती है तो उसको सही ठहरा नहीं सकते, तो उनके साथ जो हुआ था बहुत गलत होता। मुझे पता था कश्मीरी पंडित के बारे में ही मूवी में होगा, लेकिन एक साइड का होगा, दूसरे साइड आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर में रहने वाले मुसलमान थे, क्या उन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट नहीं किया था? क्या उनकी जान नहीं गई थी? 100% गई थी। और अगर आप लोग पुराना उस टेररिस्ट का अगर वीडियो देखोगे जो कि यूट्यूब पर है, तो उसमें उसने भी ये चीज़ बोली कि उसने कश्मीरी पंडित के साथ साथ मुसलमानों को भी मारा है। तो ये चीज़ तो आपको मूवी में देखने को ही नहीं मिली। खैर, इस पर मैं कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा था क्योंकि मुझे पता था मूवी किसने बनाई और उनको क्या दिखाना था। तो बस वही माइंडसेट से मैं इस पर्टिकुलर मूवी को देखने गया था और मुझे वही सारी चीज़ें देखने को मिली। इस वजह से मैंने मूवी बहुत अच्छी है बोला। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर जिस तरह से इस मूवी के बहाने हेट फैलाई जा रही है, तो यार मैंने इस चैनल पर ना कभी हेट फैलाई है और ना कभी मैं हेट फैलने दूंगा। मेरा एक ही कहना है कि मूवी को आप लोग एज एन एंटरटेनमेंट लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की मूवी जहाँ पर लोगों को सच्चाई जानने का मौका मिलता है, तो उसको उस तरह से लोग, हाँ यार उस वक्त में वो सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अब लोग इस मूवी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के बीच में हेट डालने की। इस तरह से हेट फैल रही है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए। और मैं किसी मुस्लिम का साइड नहीं ले रहा, ना ही मैं किसी हिंदू का साइड ले रहा, मैं इंसानियत के तौर पर बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने कुछ वायरल वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को ये थिएटर में बोला जा रहा है, ये सारी चीज़ें होना चाहिए किसी मूवी को देखने के बाद। उसके अलावा थिएटर का एक वीडियो जहाँ पर एक बंदा बोल रहा है कि बॉलीवुड की मूवी बैन करो, स्पेशली खान की, सलमान, शाहरुख, आमिर। अब मुझे एक बताओ कि इनमें ये खान की मूवीज कैसे आ गई और बॉलीवुड की मूवी बैन कर, तो क्या ये तीनों ही लोग बॉलीवुड की मूवीज बनाती है, ये तीनों ही नजर आते, उसके अलावा जो दूसरे एक्टर्स हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया? ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजन। तो ये चीज़ कहाँ तक सही हो रही है? मतलब एक मूवी जो लोगों के दर्द को बताने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो दर्द को तो बता रही है लेकिन साथ साथ नफरत भी फैला रही है। ये मूवी के जो मेकर्स हैं वो लोग सामने आकर क्यों नहीं बोल रहे कि भाई हमने मूवी सिर्फ हमारे कश्मीरी पंडित जो भाई बहन जिनकी मौत हुई थी तो उनको बताने के लिए, वो जो जस्टिस उनको मिला नहीं, वो जो सच्चाई छुपाई जा रही थी उनके लिए बनाई गई, ना कि नफरत फैलाने के लिए। जो लोग भी इस तरीके की नफरत फैला रहा भाई, उनको सपोर्ट मत करो। हर रिलीजन में कोई ना कोई ऐसा संगठन होता है, ऐसा ग्रुप होता है जो हरामी होता है, और उसके वजह से पूरे के पूरे कम्युनिटी को बदनाम नहीं करो। एक आम की पेटी में अगर एक आम सड़ा हुआ निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे आम सड़े हुए, आप उस सड़े हुए आम को फेंक देते हो, पूरे आम खाते हो ना, तो वैसे ही है। और जो मिलिटेंट्स थे, हरामी लोग जिन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, उन्होंने मुसलमानों को भी मारा था, हिंदुओं को भी मारा था, तो वो लोग तो गलत थे, लेकिन आप लोग गलत मत बनो नफरत फैला के। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, ताकि हमारा देश तरक्की करे। इन पॉलिटिशियंस की वजह से हम अपना नुकसान नहीं करेंगे जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं और या कर चुके हैं। तो यार बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन बाय।